हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इन योर हैंड्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास सेवन्थ की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, और आज हम करेंगे उसका चैप्टर नंबर 3 जो कि है द दिल्ली सुल्तान्स। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में, उसमें देखा था कि साउथ के एम्पायर थी, ठीक है, चोलास थे, पालास थे ईस्ट में, गुजरात प्रतिहार से राजस्थान और गुजरात के एरिया में, लेकिन दिल्ली का मेंशन नहीं था। हम सबको पता है दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, तो वहाँ पे कब जाके कोई डायनेस्टी आई थी? तो सबसे पहले जो टोमराज राजपूत थे, उन्होंने जो है दिल्ली को कैपिटल अपना बनाया था, और उसके बाद से दिल्ली का सिग्निफिकेंस बढ़ा था, ठीक है। तो टोमराज राजपूत थे, उसके बाद चौहान्स आते हैं। हमने बात किया था लास्ट चैप्टर में चौहान्स के बारे में, जिनका मेन जो टेरिटोरियल एरिया था वो था दिल्ली का, ठीक है। तो सबसे पहले जो राजपूत डायनेस्टीज आती हैं वो दिल्ली को जो है अपना कैपिटल बनाती हैं, और उसके बाद से दिल्ली में सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, ठीक है। टोमराज को हरा के जो है चौहान्स आते हैं, उसके बाद जो है टर्किश एम्पायर जो है इल्तुतमिश वो आते हैं, जिसको मेन फोकस इल्तुतमिश है। फिर रज़िया सुल्तान आती हैं, रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर होती हैं, इल्तुतमिश के बहुत सारे सन्स भी होते हैं, लेकिन रज़िया सुल्तान उसमें से सबसे एबल्ड होती है, इसलिए वो यहाँ पे रूल करती हैं। हालांकि ज़्यादा देर तक रूल नहीं करती हैं क्योंकि जेंडर डिस्टिंक्शन वहाँ पे उस टाइम होता था। उसके बाद आती है खलजी डायनेस्टी, फिर आते हैं तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी, ठीक है। हम इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। तो टोमरस और चौहान, जैसे कि मैंने बताया था कि दिल्ली जो है इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना है टोमरस और चौहान्स के टाइम पे, ठीक है। इससे पहले दिल्ली का ज़्यादा मेंशन नहीं होता था, लेकिन जब से टोमरस और चौहान्स आए थे तब से दिल्ली जो है थोड़ा फेमस होना स्टार्ट हुआ। बहुत सारे जैन मर्चेंट्स थे, वो रिच होते थे और वो सिटी के आसपास रहते थे, और बहुत सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन देखने को हमें मिला है, ठीक है। यहाँ जो कॉइन्स होते थे उस कॉइन्स को कहा जाता था दिल्ली वाल, ठीक है। और ये दिल्ली वाल जो कॉइन्स है इसका बहुत ज़्यादा वाइड सर्कुलेशन होता था, इसके बारे में हम लोग एक और बात फिर से देखेंगे इस चैप्टर के आगे। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिल्ली का वो इंपॉर्टेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है जब दिल्ली सल्तनत आता है इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी, ठीक है। 13th सेंचुरी मतलब कि अर्ली टर्किश रूलर्स से थोड़ा और ज़्यादा दिल्ली का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ बनाए, जिसको हम लोग दिल्ली के नाम से आजकल जानते हैं, वो है दिल्ली कोहाना, सिरी और जहानपना, ठीक है। दिल्ली कोहाना, सिरी एंड जहानपना, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के नेम हैं जो कि फाउंड किए गए थे दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा, ठीक है। तो कमर्शियल सेंटर सबसे पहले बना था टोमरस और चौहान्स के टाइम पे, बहुत सारे रिच जैन मर्चेंट्स होते थे, बहुत सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो कॉइन्स वहाँ पे सर्कुलेट करते थे उसको कहा जाता था दिल्ली वाल। लेकिन जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था दिल्ली का वो हुआ था अंडर द दिल्ली सुल्तान्स ऑफ द 13th सेंचुरी। बहुत सारे दिल्ली के सिटीज़ फाइंड आउट हुए थे, दिल्ली कोहना, सिरी और जहानपना। अब हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में कैसे पता चला? तो एज यूजुअल इंस्क्रिप्शंस कॉइन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा एक वर्ड नया आता है जिसको कहते हैं तारिक, और इसको प्लूरल में कहते हैं त्वारिक, ठीक है। तारिक जो है इसको रखा जाता था पर्शियन में, ठीक है। और दिल्ली सुल्तान्स की जो लैंग्वेज थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो थी पर्शियन। जैसे इंडिया में भी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश को रखा गया है, दिल्ली सुल्तान्स में उस टाइम जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको रखा गया था पर्शियन, ठीक है। तो जो तारिक है उसको लिखा जाता था पर्शियन लैंग्वेज में, और त्वारिक हो गया इसका प्लूरल सेंस में, मतलब तारिक मतलब एक, त्वारिक मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो जो ऑथर्स होते थे त्वारिक के वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी होते थे, ठीक है, पोएट्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, और ये सब चीज़ों को लिखते थे, और एम्परर्स को, रूलर्स को गाइड भी करते थे कि किस तरीके से गवर्नेंस होना चाहिए, किस तरह का जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आता है तारिक और त्वारिक, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाता था जो कि होता था दिल्ली सुल्तान्स का लैंग्वेज होता था, और ये बहुत चीज़ें हमें बताती है एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, गवर्नेंस कैसा था, जस्टिस कैसा था। इसको बहुत सारे लर्न मैन लिखते थे, बहुत पढ़े लिखे लोग लिखते थे जो कि रूलर्स को गाइड भी करते थे जस्टिस देने में और गवर्नेंस में। जो त्वारिक के जो लोग लिखते थे उसके बारे में हम लोग तीन चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले चीज़ तो थी, एक तो लर्न मैन थे हम लोग को पता है, उसके अलावा पहली चीज़ ये आती है कि वो लोग जो है मोस्टली सिटीज़ में रहते थे, ठीक है। दिल्ली के आसपास जो भी सिटीज़ बनती थी उसमें रहते थे, विलेजेस में ज़्यादा नहीं रहते थे,
इसके अलावा जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स या प्रशस्ति हमने देखा था, प्रशस्ति लिखी जाती इन प्रेज ऑफ द किंग्स, उसी तरह जो हिस्ट्रीज थी, जो तारीख्स थे या त्वारिक्स थे, इसको लिखा जाता था ताकि उन लोगों को रिवॉर्ड मिल सके, ठीक है। और जो ऑथर्स थे वो एडवाइस करते थे कि जो सोशल ऑर्डर है बर्थ राइट का और जेंडर डिस्टिंक्शन का, उसको मेंटेन करके रखा जाए। बर्थ राइट मतलब कि अगर एक राजा है तो उसका जो बेटा होगा वही अगला राजा बनेगा, ठीक है। जेंडर डिस्टिंक्शन में होता था कि जो मेल है वो जनरली सुपीरियर होता था फीमेल से, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो थी वो आपको ध्यान में रखनी है जब हम लोग बात कर रहे हैं त्वारिक के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि वो लर्न मैन थे वो तो आप सबको पता ही है, ठीक है। वो सिटीज़ में रहते थे, ठीक है, वो लिखते थे ताकि रिवॉर्ड्स मिल सके, और वो लोग रूलर्स को एडवाइस करते थे कि उन लोग को जो है प्रिजर्व करके रखना है सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। अब ये जो जो कह सकते हो आइडियल सोशल ऑर्डर था, जो एडवाइस था, ये सब लोग नहीं मानते थे। जो रजिया सुल्तान बनी थी वो 1236 में जब बनी थी, तो ये एक फीमेल थी, ठीक है। जेंडर डिस्टिंक्शन जो है फीमेल्स को ऐसा नहीं कहता कि आप रूलर्स बनो, ठीक है। रजिया सुल्तान को इसलिए बनाया गया था या बनी थी क्योंकि वो बाकी के सारे सन से सबसे ज़्यादा केपेबल थी। मिनहाज ए सिराज ने भी इन्हें रिकग्नाइज़ किया था कि सबसे ज़्यादा केपेबल है ये रजिया सुल्तान, अपने सारे ब्रदर्स से सबसे ज़्यादा केपेबल यही है, ठीक है। लेकिन जो मिनहाज ए सिराज था ये भले ही इसके सपोर्ट में था कि रजिया जो है केपेबल है, लेकिन क्योंकि जेंडर डिस्टिंक्शन था, इस टाइप का सोशल ऑर्डर था, लोग उस तरह का मानते थे कि लड़का ही रूल करेगा, तो वो उसके मतलब खिलाफ नहीं था लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उसके साथ भी नहीं था, ठीक है। तो रजिया सुल्तान को फिर 4 साल बाद हटा भी दिया गया था, क्यों? क्योंकि वो एक फीमेल थी, ठीक है। तो इस टाइम पर थोड़ा जेंडर डिस्टिंक्शन होता था। अब बात करते हैं कि जो मिनहाज ए सिराज था वो क्या समझते थे रजिया सुल्तान के बारे में। तो जो मिनहाज ए सिराज थे उन्होंने ये बताया कि गॉड जो है उन्होंने बनाया है कि जो किंग है जो रूल करेगा सब पे वो मैन ही होगा, वो वुमेन नहीं होगा, ठीक है। हालांकि जो रजिया सुल्तान थी वो ये भी मानते थे कि उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज है, अपने सारे भाइयों में सबसे अच्छा क्वालिटी रजिया सुल्तान का ही है, लेकिन सोशल ऑर्डर जो है, जो जेंडर डिस्टिंक्शन है, उसके खिलाफ ये जा रहा है, ठीक है। तो दोनों बात कह रहे थे, उनके पास क्वालिटीज भी अच्छी थी लेकिन वो सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट था, इसलिए उन्हें 4 साल बाद हटा भी दिया गया था, ठीक है। रजिया सुल्तान के इंस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो डॉटर है सुल्तान इल्तुतमिश की। तो रजिया सुल्तान तो चलो दिल्ली सल्तनत की थी, लेकिन इसके अलावा रुद्रमा देवी और टिड्डा, ये दोनों भी जो फीमेल आप कह सकते हो लीडर्स बन के उतरी थी। रुद्रमा देवी जो है आंध्र प्रदेश में थी, ककटिया डायनेस्टी की, और इन्होंने जो है जानबूझ के अपना नेम चेंज किया था और वो प्रिटेंड करती थी कि वो मैन है, क्यों? क्योंकि सबको समझ आता था कि जो रूलर है वो मेल ही होना चाहिए। जैसे रुद्रमा देवी भले ही फीमेल थी, क्वीन थी, लेकिन वो बहुत बार उन्होंने प्रिटेंड किया कि वो मैन थी। इसके अलावा जो डिड्डा थी जो कश्मीर में रूल करती थी, उनको लोग दीदी और एल्डर सिस्टर के नाम से भी बुलाते थे, ठीक है। जैसे कि आज में आप देख सकते हैं टीएमसी के जो लीडर हैं ममता बनर्जी, उनको भी बहुत सारे लोग दीदी बुलाते हैं, उस हिसाब से डिड्डा भी थी कश्मीर में जिनको लोग दीदी बुलाते थे। तो फीमेल का कुछ ऐसा था कि बहुत सारे लोग केपेबल थे लेकिन सोशल ऑर्डर की वजह से उन्हें नहीं दिया जाता था, रजिया सुल्तान, रुद्रमा देवी और डिड्डा। अब हम लोग बात करते हैं जो सुल्तान थे दिल्ली सुल्तान के, इनका जो दिल्ली सल्तनत था ये कैसे एक्सपैंड हुआ था। तो सबसे पहले दो वर्ड्स के बारे में हम लोग जानते हैं, सबसे पहला आता है हिंटरलैंड और दूसरा आता है गैरिसन। तो हिंटरलैंड मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए कोई एक सिटी है, ठीक है, ये एक सिटी है, यहाँ पे जो है गुड्स एंड सर्विसेज आपके सब चीज़ मिलते हैं और ये बाकी के सिटीज़ में प्रोवाइड की जाती है। तो हिंटरलैंड होते हैं ये जो बाकी के सिटीज़ हैं, मतलब कि ऐसे सिटीज़ जो कि अगल बगल रहती हैं उस सिटी के, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सिटी है ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है और इसके आसपास ये तीन सिटीज़ हैं, ये तीन सिटीज़ हो गए हिंटरलैंड, ठीक है। तो हिंटरलैंड का कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि अगर ट्रेड को बढ़ाना है तो जो सिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है उसके आसपास का सिटी को आपको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो सुल्तान्स ने क्या किया, कभी कभार जो है उन हिंटरलैंड को वो कंट्रोल करते थे ताकि ट्रेड मिल सके, अच्छा सप्लाईज मिल सके और ट्रिब्यूट भी मिल सके। इसके अलावा दूसरा टर्म आता है गैरिसन। गैरिसन मतलब कि एक ऐसा फोर्ट एरिया या फिर कोई ऐसा एरिया जो कि गार्ड से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो
हिंटरलैंड फॉर ट्रेड एंड गैरिसन, इन दोनों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। अब बहुत सारे गैरिसन टाउन जो कि बहुत दूर थे, जैसे कि बंगाल में या सिंध में, ठीक है, वो दिल्ली से कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसके अलावा जो मुगल इन्वेजन्स हुए थे अफगानिस्तान से और जो रिबेलियंस थे, ठीक है, मतलब बहुत सारे गवर्नर्स जो है सुल्तान अगर वीक हो जाता था तो क्या करते थे, रिबेल कर देते थे, उसके अगेंस्ट चले जाते थे। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी थी। तो जो रियल एक्सपेंशन हुआ था वो तीन रूलर्स के टाइम पे हुआ था। सबसे पहला हुआ था गयासुद्दीन बलबन के टाइम, फिर अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक। ये तीन रूलर्स के टाइम में दिल्ली सल्तनत का सही तरीके से एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है। फिर से अगर मैं बोल देता हूँ तो हिंटरलैंड होता है वो ऐसे लैंड जो कि अगल बगल होते हैं उन सिटीज़ के जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाते हैं। तो हिंटरलैंड को कंट्रोल करने से क्या होगा, आपको ट्रेड मिल पाएगी, सप्लाईज मिल पाएगी, ट्रिब्यूट मिल पाएगी। गैरिसन एक फोर्टिफाइड एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स जो है उसको रहते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन इसको गैरिसन को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया गया था। बहुत अलग अलग एरिया में, बंगाल, सिंध पंजाब के एरिया के टाइम में, तो बंगाल और सिंध दिल्ली से दूर था तो सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाया था। इसके अलावा मंगल इन्वेजन जो अफगानिस्तान से आए थे उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई थी, और जब सुल्तान वीक हो जाते थे तो उसके गवर्नर्स जो है उनके अगेंस्ट हो जाते थे। तो रियल एक्सपेंशन तीन रूलर्स के टाइम पे हुआ था, गियासुद्दीन बलबन के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। तो सबसे पहले जो एक्सपेंशन का तरीका था इंटरनल फ्रंटियर का, उसमें क्या था, जो गैरिसन टाउन है जहाँ पे सोल्जर्स जो है सेटल्ड हो रहते हैं, ठीक है, उनको अपने अंदर सही तरीके से रखना, उनको सही तरीके से कंट्रोल करना सबसे पहला एम ये था, क्योंकि सोल्जर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी अंपायर के लिए। अब जो डिस्टेंट लैंड्स बंगाल सिंध में कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो सबसे पहले यही किया गया कि उनको ठीक से कंट्रोल किया जा सके। तो इन कैंपेन्स में बहुत सारे गंगा यमुना दुआब के फॉरेस्ट है उनको हटाया गया था, बहुत सारे उससे क्या वो जो हंटर गैदरर्स थे उनका जो हैबिटेट है वो खो गया था, ठीक है, और जो लैंड्स उसमें से मिला था ठीक है, जो फॉरेस्ट को काटे जो लैंड्स मिला था उसको फार्मर्स को दे दिया गया था और एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। और इसमें बहुत सारे फोर्ट्रेस बनाए गए, टाउन्स बनाए गए, ताकि ट्रेड को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके और ट्रेड को और बढ़ाया भी जा सके। तो सबसे पहले जो इंटरनल फ्रंटियर की बात हो रही है, मतलब कि हम लोग इंटरनल बाउंड्री की बात करें, जिसमें हम लोग गैरिसन और हिंटरलैंड इन दोनों चीज़ को इम्प्रूव करने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ट्राई करें गैरिसन को और ज़्यादा कंट्रोल में लाने के लिए, ठीक है, तो बहुत सारे कैंपेन्स किए गए कि इधर से उधर सुल्तान्स या फिर अपने दूत भेजे गए थे, ठीक है, उसी में बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया था। उन फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद जो लैंड मिला था वो फार्मर्स को दे दिया गया था और एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, ठीक है। अब इसके अलावा क्या हुआ, बहुत सारे नए फोर्ट्स भी बनाए गए, टाउन्स भी बनाए गए, इस्टेब्लिश किए गए, ताकि ट्रेड प्रोटेक्शन हो सके और ट्रेड को इनकरेज भी किया जा सके। सो एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, ये दो जो है यहाँ पे फोकस किया गया था। अब दूसरा एक्सपेंशन था एक्सटर्नल फ्रंटियर का। एक्सटर्नल फ्रंटियर जो आपके एम्पायर के अंदर नहीं है उसके बाहर किस तरीके से एक्सपेंड किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इंटरनल का बात इसलिए किया क्योंकि इंटरनल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है। अब इंटरनल को ठीक करने के बाद एक्सटर्नल पे फोकस किया गया। तो एक्सटर्नल पे मतलब कि सदर्न इंडिया पे जो है मिलिट्री एक्सपेडिशंस हुआ, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे और कंक्लूड हुआ मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। तो ये लोग क्या करते थे, अपने एम्पायर को और बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह पे अटैक्स करते थे, फिर कैप्चर कर लेते एलिफेंट्स को, हॉर्सेस को, स्लेव्स को और बहुत सारे मेटल्स को। तो जब मोहम्मद तुगलक का रेन जो रूल है ख़त्म हुआ था 150 इयर्स तक, तो दिल्ली सुल्तान जो है बहुत बड़ा पार्ट बन गई थी सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो जो मुगल्स आए थे वो भी आप समझ सकते हो कि दिल्ली से ही क्यों थे, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर तो बन ही चुका था। जो सुल्तान थे वो जो है टैक्स कलेक्ट करते थे और जस्टिस भी सही तरीके से देते थे, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनल में आपको ठीक किया गया गैरिसन और हिंटरलैंड को, ट्रेड को ठीक किया गया, एग्रीकल्चर को ठीक किया गया, जो गैरिसन थे उसको कंट्रोल में लिया गया। फिर एक्सटर्नल फ्रंटियर में क्या हुआ, कि जो बाकी का एक्सपेंशन हुआ था वो स्टार्ट हुआ था अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे और एंड हुआ मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। जब वो लोग कैंपेन अपना करते थे तो एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मेटल्स, स्लेव्स ये सब कैप्चर कर लेते थे। जो सुल्तान्स थे वो आराम से टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे और जस्टिस भी देते थे।
सो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको अभी तक सब क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।